guys, welcome or welcome back to my channel. For those who are new to my channel, this is Harshita and I make beauty and skincare videos. So you guys, you must be already knowing from my title ki आज मैं कौन से वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. सो यू गाइज, आपको पता होगा कि Maybelline ने कुछ टाइम पहले अपने फिट मी रेंज एंड सेंसेशनल मैट लिक्विड्स की मिनी पाउचेस, मिनी पैकेट्स निकाले थे. सो आई एम गोइंग टू रिव्यू दैट रेंज टुडे. सो लेट्स सी कि मुझे वो पैकेट्स, मुझे वो मिनी पाउचेस कैसे रिसीव हुए. Before starting the video and before showing you all the shades from both the range, first subscribe to my channel and hit the notification button if you haven't already. So yeah, let's get started. So let's see what all shades I have in both the range. And so let's start with the Maybelline Foundation Fit Me Ones. Guys, these are the shades that I have received from Maybelline. They are basically their Fit Me Matte Plus Poreless Foundation and it contains SPF 22. So let me show you all the shades one by one and I will add the clip of me showing all the shades on my skin so that you can get the idea of how the shade looks like. And definitely जिन जिन की मेरी स्किन टोन है, जिन जिन की स्किन टोन मेरी स्किन टोन से मैच करती है, डेफिनेटली उन्हें आइडिया लग जाएगा कि उन्हें कौन सा फिट मी रेंज का फाउंडेशन शेड खरीदना चाहिए. सो या लेट्स सी द शेड वन बाय वन. सो द फर्स्ट शेड आई हैव विद मी इज 230 नेचुरल बफ एंड इट कंटेन्स SPF 20 एंड इट इज द फाउंडेशन दैट फिट्स द स्किन वेरी वेल एंड गिव्स यू अ नेचुरल फिनिश. इट इज बेसिकली देयर मैट प्लस पोरलेस फाउंडेशन बट ये इतना ज्यादा आपको मैट लुक नहीं देता है. इट गिव्स यू अ लिटिल बिट ऑफ ड्यूई फिनिश एज वेल एंड द कवरेज ऑफ द फाउंडेशन बेसिकली द होल रेंज इज बेसिकली शियर टू मीडियम. मतलब आपको पूरा फुल कवरेज ये नहीं देगा आपको क्योंकि ये नेचुरल फिनिश है. डेली यूज, डेली पर्पज या दो तीन घंटे के लिए अगर फंक्शन में जा रहे हो फॉर 2 to 3 hours देन इसका स्टेइंग पावर उतना ही है एंड इट गोज फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन एज इट इज ऑन द पैकेज. बट अगर आपने पहले भी Maybelline Fit Me रेंज यूज किया है तो यू मस्ट बी नोइंग कि Maybelline के जितने भी फाउंडेशन है ये ऑल स्किन टाइप पे बहुत ही अच्छे से बैठ जाते हैं, बहुत ही अच्छे से काम करते हैं इनफैक्ट. एंड आई हैव एडेड द क्लिप, यू कैन सी हेयर कि मेरे स्किन टोन पे ये वाला शेड कैसा जा रहा है एंड यू कैन ईजिली डिसाइड कि आपके स्किन टोन पे कैसा जाएगा. एंड इनफैक्ट ये वाला जो शेड है हमारा फेयर टू मीडियम स्किन टोन पे काफी अच्छे तरीके से जाएगा. सो यू कैन डेफिनेट go for this. The next shade I have with me is Ivory 115 and you can see the shade on my face here in the clip and this goes for फेयर स्किन टोन ओनली. जो भी लोग बहुत गोरे हैं इनफैक्ट जिनका मिल्की वाइट स्किन टोन है उनके लिए आइवरी बहुत ही अच्छे तरीके से जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से स्किन टोन पे ये सूट करेगा. एंड जिनका मीडियम स्किन टोन है मेरी तरह उनके लिए तो डेफिनेटली ये बिल्कुल भी नहीं जाएगा. सो डू नॉट एवर ट्राई टू यू नो गलती से भी इसको मत खरीद लेना वरना आपके पैसे वेस्ट चले जाएंगे. सो द नेक्स्ट शेड आई हैव विद मी इज 128 वॉर्म न्यूड. सो बेसिकली जिनका स्किन टोन फेयर टू मीडियम है, इनफैक्ट फेयर साइड पे ये थोड़ा सा ज्यादा है, उनके लिए स्किन शेड बहुत अच्छा रहेगा. यू कैन सी इन द क्लिप कि मेरे फेस पे ये वाला शेड कैसा जा रहा है एंड इनफैक्ट उससे आप अच्छे तरीके से आइडिया लगा सकते हो कि आपके स्किन टोन, आपके फेस पे कौन सा शेड ज्यादा अच्छे से रहेगा, बेटर रहेगा, फिट करेगा आपके फेस को. द नेक्स्ट शेड आई हैव विद मी इज 330 टॉफी एंड दिस शेड इज बेसिकली मीडियम टू डार्क स्किन टोन के लिए ये शेड है. इनफैक्ट मेरे जो स्किन टोन है वो 330 दिस टॉफी शेड प्लस वन मोर शेड दैट इज आई गेस नेचुरल बीच आई जस्ट शेयर विद यू जब मैं वो शेड दिखाऊंगी. तो उन दोनों को शेड को मिला के मेरा ये शेड बनेगा मेरे स्किन टोन का. एंड यू कैन सी इन द क्लिप कि मेरे स्किन टोन के लिए ये टॉफी शेड हल्का सा लिटिल बिट डार्कर है. सो या जिनकी मीडियम टू डीपर स्किन टोन है डेफिनेटली वो इस शेड को ट्राई कर सकते हैं. बट पहले अपना स्किन टोन मेरे क्लिप के साथ मैच कर लेना देन गो फॉर इट. एंड नेक्स्ट आई हैव विद मी इज 220 नेचुरल बेक. सो या मैंने नेचुरल बेक प्लस टॉफी को मिला के अपना शेड बनाया था क्योंकि ये मेरे लिए थोड़ा सा डार्क हो जाता और ये वाला थोड़ा लाइट हो जाता. सो मैंने इसको थोड़ा कंबाइन करके एक अपना शेड बना लिया. सो यू कैन ऑल्सो गो फॉर दैट. सो या आई वॉज टॉकिंग अबाउट 220 नेचुरल बेक. सो जिनकी मीडियम स्किन टोन है उनके लिए 220 इज बेटर एंड यू कैन सी इन द क्लिप एज वेल. लास्ट शेड आई हैव विद मी इज 310 सन बेज. सो जिनकी मीडियम स्किन टोन है एंड लिटिल बिट ऑफ डार्क बेसिकली जो इंडियन स्किन टोन रहती है उसके लिए परफेक्ट है दिस शेड.
You can see 310. So guys, I have shown you all the shades that I had received from Maybelline's. These were the shades. And in fact, Maybelline ने बहुत अच्छा किया है ये मिनी पाउचेस निकाल दिए हैं, क्योंकि होता क्या है, हम ऑनलाइन जब खरीदते हैं तो मोस्टली हम बड़े पैक्स खरीदते हैं, राइट? सो उस टाइम पे क्या होता है कि हम गलत शेड खरीद लेते हैं तो हमारे पैसे तो वेस्ट जाते ही हैं, वो पूरा प्रोडक्ट भी वेस्ट हो जाता है. सो इट्स बेटर कि पहले हम छोटे पाउचेस खरीद लें एंड उसको अपने स्किन टोन पे मैच करके देखें कि कौन सा ज़्यादा बेटर जा रहा है एंड देन अकॉर्डिंगली अपना वो बड़ा पैक खरीद. So yeah, this was all about these sachets, these mini pouches from Maybelline for the Fit Me range. So, and ये तो मैं आपको बताना भूल ही गई कि this basically retails for ₹59 for 5 ml. So I don't think it's that bad. You can give it a try. Now let's move on to the next. Product that I've received from Maybelline is basically their Sensational Liquid Matte Lipstick. So I've received the 4 new shades that they have launched. So yeah, let me show you the swatches one by one on my hand as well as you can see on my lips as well. So I have added the clip here, you can see there also, and on my hand you can get the idea ki meri skin tone and my skin tone ki tarah jin jin ki bhi skin tone hai un pe ye nude lipsticks kaise jayengi. So let's see how the shades look like on my face. First shade that I have with me is Bare It All. So the shade looks like this. Basically ये proper एक nude shade है. So let me show you the swatch of it. And मैंने clip भी add कर दिया. You can see how it looks like on my face. So this is a swatch. एक proper nude shade है जो कि एक fair skin tone पे ही जाएगा. And as you can see, जिन जिन की मेरी skin tone है उन्हें ये shade इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा, बहुत अच्छा नहीं लगेगा एंड बहुत ही ज़्यादा pop up करेगा. But let me tell you one thing more कि अगर आप ये lipstick खरीद रहे हो तो इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि ये जो है एक application पे आपको वो result नहीं देगा. You have to apply it twice or thrice, because अगर आप एक लेयर अप्लाई करोगे तो आपकी जो स्किन है, बेयर लिप्स जो है वो आपको दिखेंगे बहुत अच्छी तरीके से. सो यू हैव टू अप्लाई इट ट्वाइस और थ्राइस टू गेट द एग्जैक्ट शेड ऑन योर लिप्स. सो या दिस इज द शेड एंड इट लास्ट अप टू 3 to 4 hours वेरी इजिली एंड ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है. लेट मी टेल यू द फॉर्मूला इज क्वाइट नाइस. इट इज नॉट दैट मच पिगमेंटेड, बट या अगर जिसको बहुत ही जैसे जो भी फेयर स्किन टोन है उनको बहुत ही लाइट शेड चाहिए, जस्ट टिंटेड टाइप ऑफ शेड चाहिए, वो एक लेयर भी अप्लाई करेंगे वो चलेगा. लेकिन जिसको प्रॉपर ये शेड चाहिए ऑन द लिप्स, यू हैव टू अप्लाई इट ट्वाइस और थ्राइस. सो या दिस इज द शेड. एंड द नेक्स्ट शेड आई हैव विद मी इज दिस 06 बेस्ट बेब एंड इट इज अ काइंड ऑफ पिंकिश न्यूड. एंड यू कैन सी ऑन माई लिप्स कि ये कैसे लग रहे हैं. एंड लेट मी शो यू द स्वैच ऑफ इट ऑन माई हैंड एज वेल. सो यू कैन सी कि ये प्रॉपर एक पिंक न्यूड शेड है. सेम इसमें भी यही है कि ये फेयर टू मीडियम स्किन टोन पे ज़्यादा अच्छा लगेगा. एंड इफ यू आर गोइंग लाइक इफ यू आर अ मीडियम टू डीपर स्किन टोन पर्सन, देन ये इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पॉपअप होगा स्किन पे. एंड मोस्टली आई हैव सीन लाइक मैं अपने लिए बता रही हूँ, जो मीडियम टू डीपर स्किन टोन है उन पर थोड़े से डार्कर जो है शेड्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं. सो या दिस इज़ द न्यूड पिंक शेड विच इज़ द नेम इज़ बेसिकली यू कैन सी बेस्ट बेब. सो या नेक्स्ट शेड आई हैव विद मी इज़ बेसिकली स्ट्रिप इट ऑफ एंड इट लुक्स लाइक दिस. दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ऑरेंजिश न्यूड टोन. And let me show you the swatch of it. And आप साथ में देखते जाना कि मैंने जो क्लिप लगाई है उसमें मेरे स्किन टोन पर ये कैसा लग रहा है. सो यू कैन सी द शेड हेयर. ओके लेट मी जस्ट स्वैच इट and show you. So this is the shade. ये you can see कि ये थोड़ा orangish tone में आ रहा है. In fact ये proper जो nude shades होते हैं वो थोड़े brown orangish में ही रहते हैं. So ये properly fair to medium, in fact fair skin tone पे ज़्यादा अच्छे लगते हैं. हाँ medium पे भी चल जाते हैं, जिनको nude shades काफ़ी अच्छे लगते हैं उनके लिए तो वो कैसे भी मैनेज कर लेते हैं. बट या आई विल रिकमेंड यू कि आप थोड़े से पिंकिश डीपर शेड्स पे ज़्यादा जाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा. एंड लास्ट शेड आई हैव विद मी फ्रॉम दिस रेंज इज सॉफ्ट वाइन 02. यू कैन सी दिस शेड. दिस इज अ प्रिटी शेड एंड यू कैन सी दिस ऑन माई लिप्स एज वेल. एंड मैं जो कह रही थी कि थोड़े से डीपर स्किन डीपर शेड्स जो है हमारे स्किन टोन पर ज़्यादा अच्छे लगते हैं. इनफैक्ट इंडियन स्किन टोन पर वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं. सो येस यू कैन सी कि मेरे लिप्स पे मेरे स्किन टोन पे कितना अच्छे से जा रहा है. इनफैक्ट मेरे मेकअप को कितने अच्छे तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ये स्किन टोन, आई मीन दिस शेड. सो या आई क्वाइट लाइक दिस शेड चारों शेड्स में से. ओके सो अगर मैं इन
चारों में से रेटिंग दूं कि मुझे कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा. सो या द फर्स्ट वन वुड बी 02 सॉफ्ट वाइन, सेकंड वन वुड बी 06 बेस्ट बेब. दीज टू जो है सेम नंबर 3 पे रहेंगे, दोनों इक्वल है मेरे लिए क्योंकि मेरे स्किन टोन पे इतना ज़्यादा वो सूट नहीं किया. सो या दिस पैकेज, दिस मिनी पैकेज फ्रॉम मेबेलिन सेंसेशनल लिक्विड मैट लिपस्टिक रिटेल्स फॉर ₹99 फॉर 2 ml. सेम गोज फॉर इट जैसे हमने फिटमी फाउंडेशन के लिए यू नो जो है ट्रायल पैकेजेस भी है, प्लस ये ट्रैवल फ्रेंडली भी है. अगर आप कहीं जा रहे हो बाहर यू नो फॉर मीटिंग तो आपको वो पूरा ऐसे बॉटल या फिर पूरा लिक्विड लिपस्टिक कैरी नहीं करना पड़ेगा. ये पाउचेस बहुत अच्छे से यू नो आप कैरी कर सकते हो. अगर आपका स्लिंग बैग है उसमें भी आप बहुत अच्छी तरीके से रख सकते हो. सो मुझे ये चीज़, ये रेंज इनफैक्ट, ये आइडिया में भी इनका काफ़ी अच्छा लगा कि मतलब छोटे छोटे पाउचेस निकाल दो फॉर द ट्रायल बैग. बड़े लेने सोचा कि हम पहले छोटे से ट्राई कर लेते हैं then go for the bigger one. So yeah, this was the review, I mean the short review and the swatches of the lipstick and the Fit Me foundation. And I hope आपको मेरा ये video पसंद आया होगा. And if you want to know कि मैंने ये makeup look कैसे achieve किया, then you have to go to my Instagram channel. And क्योंकि वहीं पे मैंने अपना ये video upload कर रखा है, so you can definitely go and check that out. And अगर आपने मुझे Insta पे follow नहीं किया है, तो do follow me there also. So yeah, guys. And if you want me to come up with more lipstick reviews or product reviews, then do let me know in my comment box below कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन सा लाऊं आपके लिए. सो या अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, डू गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट बिलो कि आपको क्या कौन से लिपस्टिक शेड्स एंड कौन सा फिट मी फाउंडेशन अच्छा लगा. सो या आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन बाय.